है जिसके गुनाह धुल गए। मुबारक है जिसके गुनाह धुल गए, बख्शी गई जिसकी हर खता, बख्शी गई जिसकी हर खता। शुक्रिया ए खुदा, शुक्रिया ए खुदा, शुक्रिया ए खुदा, शुक्रिया ए खुदा। मुबारक है जिसके गुनाह भूल गए। शुक्रिया ऐ खुदा, शुक्रिया ऐ खुदा,
शुक्रिया ऐ खुदा, शुक्रिया ऐ खुदा, शुक्रिया ऐ खुदा, शुक्रिया खुदा। आइए आज हम इस मीटिंग को शुरू करेंगे। सभी को प्रभु यीशु के नाम में सलाम। इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज की यह शुक्रवार की छोटी सी मीटिंग में सभी का प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, हमारे सर को झुकाएंगे। सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे ढूंढने कहा करेंगे। तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम का काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करेंगे। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रजा प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहे। पवित्र 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 परमेश्वर तेरे खुदा धन्यवाद 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 देता हूँ। तेरी स्तुति तेरी आराधना करता हूँ। आज के इस समय के लिए प्रभु मैं तेरे नाम की बड़ाई करता हूँ, तेरे नाम को मैं ऊंचा करता हूँ, तेरे नाम को प्रभु मैं मान सम्मान और आदर करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे के योग्य स्तुति के पात्र परमेश्वर ने, जो सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर ने, जो इब्राहिम का परमेश्वर ने, जो याकूब का परमेश्वर ने, इसलिए आज के दिन में इस समय में मैं तुझे ही प्रभु नमन करता हूँ और तेरा नाम मैं ऊंचा करता हूँ। प्यारे खुदा परमेश्वर आज के प्रभु ये मीटिंग के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, जो गुजरात डायसेस ने जो फुटेज मीटिंग के आयोजन किया है प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ। आज की ये फुटेज मीटिंग तेरे हाथ में सौंपते हैं हे मेरे खुदा यीशु, ये आज की मीटिंग तेरे हवाले करता हूँ प्रभु यीशु। अरे प्रभु आज जो भी इस मीटिंग के लिए जुड़े हुए हैं प्रभु मैं सभी के लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि सभी पर प्रभु तेरी दया तेरी करुणा करे। आज की मीटिंग को मैं प्रभु तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आइए शास्त्र कुछ कर आज का जो शास्त्र भाग है प्राण सभी जल्दी वचन से लेकर हम 28 वचन तक पढ़ेंगे। आज का शास्त्र भाग जो है पहला क्रंथियो पहला अध्याय 26 वचन से लेकर 28 वचन तक हम पढ़ेंगे। हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थ्य और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें व्यर्थ न करे। आमीन। प्रभु इस गाटो पाड़ी प्राण छोड़ो क्या फिर से एक बार सुंदर अवसर के लिए फिर से मैं परमेश्वर का शुक्रगुजारी हूँ। गुजरात एसएस के माननीय ईश्वर साहेब, अहमदाबाद विभाग के रेडिंग साहेब और सभी गुजरात एसएस के पासवान साहेब, सुवार्तिक मिशनरी सभी का मैं आभारी हूँ, और कॉटेज मीटिंग में सहभागी होने वाले मेरे भाई और बहनों सभी को प्रभु के नाम में धन्यवाद देता हूँ और सलाम। आइए प्रार्थना। पवित्र पवित्र सेवाओं का यहोवा परमेश्वर तुझने तारवा और खास नए वचनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो वचन पढ़ा
जल्दी मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं खुद को तेरे हाथ में छोड़ देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि तेरा पवित्र आत्मा आत्मा से प्रभु तुम मुझे अगुवाई करो। और इतना ही नहीं प्रभु, आज के जो कोटेज मीटिंग के लिए जो जुड़े हुए परिवेष्टि के लिए तेरे प्रजा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हर एक पर तेरी दया तेरी प्रेमी आवाज प्रकट कराया वचन सुनिया वचन की तरफ जाने से पहले परिचय देना चाहता हूँ। आवाज प्रकट कराया सुनिया वो प्यारा ईश्वर का ये पालमपुर के आजू बाजू के गाँव में तुम्हारा प्रचार का काम चालू है। आजू बाजू के गाँव जाएंगे जो आज पढ़ा गया है पहला कुरान की ओर पहला अध्याय सभी वचन से लेकर आता है पहला कुरान की ओर पहला अध्याय सभी वचन से लेकर आज का जो हमारा विषय है चुना हुआ पात्र। आज का जो हमारा विषय है चुना हुआ पात्र, चुना हुआ पात्र, चुना हुआ वरदान, आदर का वरदान। यानी हम देखते हैं कि कभी कभी हम परमेश्वर के लिए एक अच्छा बर्तन बनने की कोशिश करते हैं। यानी आपको पता है कि जो आदर का बर्तन जो है वो राज्य के महल में उपयोग किया जाता है। हम भी हमारे जीवन में आदर का बर्तन बनने की कोशिश करते हैं लेकिन हम बन नहीं पाते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि उस बर्तन में छोटे छोटे कंकर होते हैं, घमंड का कंकर होता है, बुराई का कंकर होता है। यानी हम प्रभु यीशु के लिए अच्छा बर्तन नहीं बन पाते हैं, प्रभु यीशु के लिए हम आदर का बर्तन नहीं बन पाते हैं। यानी परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को एक उद्देश्य के लिए चुना हुआ है। हम ऐसे ही प्रभु यीशु के पास नहीं आए हैं, एक उद्देश्य, एक मकसद है हमें चुनने का। प्यारे भाई और बहनों, आज आप कहेंगे कि मैं तो बीमार था इसलिए प्रभु यीशु के पास आया, मैं प्रॉब्लम में था इसलिए मैं प्रभु यीशु के पास आया। लेकिन मैं आपको एक बात को बताता हूं कि हम ऐसे ही प्रभु यीशु के पास नहीं आए हैं, एक उद्देश्य, एक मकसद है हमें चुनने का। यानी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना, एक मकसद था, एक राष्ट्र की स्थापना करे, एक मकसद था उसके पीछे चुनने का। परमेश्वर ने मूसा को चुना, एक उद्देश्य था कि वो बंदी हुए लोगों की अगुवाई करे और वाचा के प्रदेश में ले आए। हम उनका भी जिक्र करते हैं, बहुत छोटे हैं, उनको भी खास उद्देश्य के लिए चुना है। उदाहरणार्थ वो लड़की याद है आपको, जिसको इज़राइल से बंधुआई करके लाया गया था नामान कोड़ी के घर में। परंतु इतना हमें पता है कि वो चुनी हुई थी, हमें पता नहीं है वो कहां, उसका आता पता हमें पता नहीं वो कहां से आई है, लेकिन इतना पता है कि वो चुनी हुई थी परमेश्वर के द्वारा नामान को बचाने के लिए।
उसे चुना गया था। उस छोटे बच्चे का नाम हमें मालूम नहीं है जिसने अपना टिफिन प्रभु यीशु मसीह को दिया था। हम उस छोटे बच्चे के बारे में भी नहीं जानते हैं, पांच रोटी दो मछली, उसका नामो निशान पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि वो चुना हुआ था उस दिन के लिए, वो प्रभु के सेवकाई के लिए काम आए। वचन कहता है कि हे भाइयों, तुम बहुत ज्ञानवान सामर्थी है इसलिए नहीं बुलाया है। वचन में लिखा है कि हे भाइयों, तुम ज्ञानवान है, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है इसलिए बुलाया नहीं गया है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। मूर्खों को चुनने का उद्देश्य परमेश्वर का, प्यारे भाई और बहनों, हर एक विश्वासी को चुनने के पीछे एक उद्देश्य है, लेकिन परमेश्वर जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? आज हम कमजोर है, जगत के निर्बल लोग आज हम कमजोर हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, लेकिन परमेश्वर ने कमजोरों को चुन लिया। क्यों? कि बलवानों को लज्जित करें। और परमेश्वर ने नीचों और तुच्छों को चुन लिया, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया, ताकि जो है उसे व्यर्थ ठहराए। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हर एक को एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। हम ये ना सोचिए कि मैं खुद ही प्रभु के पास आया हूं, नहीं, आपके चुने जाने के पीछे परमेश्वर का एक मकसद है, परमेश्वर का एक उद्देश्य है। परमेश्वर को क्वालिटी चाहिए, परमेश्वर को, प्रभु यीशु को क्वालिटी की जरूरत है। अरे, प्रभु ने मात्र 12 चेलों को तैयार किया। क्वालिटी चाहिए परमेश्वर को, और उन 12 ने पूरे दुनिया को तहलका मचा दिया, उनको चुन लिया और प्रभु यीशु की उन शिक्षाओं को लेकर पूरी दुनिया में बदलाव लाना आरंभ किया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीहा ने क्यों 12 ही चेलों को चुना? वो चाहे तो हजारों लाखों लोगों को चुन सकता था, लेकिन उन्होंने 12 ही चेलों को क्यों चुना? प्रभु यीशु को क्वालिटी चाहिए, परमेश्वर को क्वालिटी चाहिए। अरे, प्रभु यीशु ने उनको चुन लिया, उनके पीछे एक मकसद था कि प्रभु यीशु के शिक्षाओं को लेकर पूरे दुनिया में बदलाव लाना आरंभ कर दिया। प्यारे भाई और बहनों, एक एक के पीछे प्रभु ने बड़ी से बड़ी कीमत चुकाई है। प्रभु ने हमें 200 रुपये देके, 100 रुपये देके नहीं खरीदा है। बड़ी सी बड़ी कीमत जो सूली पर दर्दनाक मौत को सह रहा था, उसके पवित्र लहू तुम्हारे लिए, मेरे लिए बहाया, अने पापों से हमें छुड़ाया है। बड़ी से बड़ी कीमत देखे हमें चुन लिया है। हम एक वचन को देखेंगे, प्रेरितों के काम 9 अध्याय यानी 15 वचन में लिखा है। इस वचन में हम शाऊल की बातों को देखते हैं।
बाद में वो पौलुस बना। उसके बारे में देखते हैं कि शाऊल जो था वो परमेश्वर के लोगों को तकलीफ देता था, परमेश्वर के लोगों को सताया था, परमेश्वर के लोगों को बंदी गृह में डाल देता था। उस पौलुस की मैं बात कर रहा हूं। यानी हम देखते हैं तो परमेश्वर हनने नामक व्यक्ति को उसके पास भेजता है। देखो एक हनने नामक व्यक्ति है, परमेश्वर उस हनने नामक व्यक्ति के साथ बात करता है। यानी परमेश्वर कहता है कि जाओ। अभी हनन्या इस बात को सोचता है कि वो तो कितना सही व्यक्ति नहीं है, वो कितना बुरा व्यक्ति है, फिर भी परमेश्वर की उनको चुना है। इसलिए चुना है क्योंकि वह तो अन्य जाति और राजाओं और इज़राइल के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? वो बुरा इंसान था, फिर भी परमेश्वर ने उसको चुना है। क्यों चुना है? अन्य जाति के लिए, अन्य जातियों में जाके प्रभु यीशु का वचन का प्रचार करने के लिए, राजाओं के लिए, इज़राइल के लिए, इज़राइल लोगों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। प्यारे भाई और बहनों, क्या आज हम यीशु मसीह के लिए एक चुना हुआ पात्र है? क्या आज हम यीशु मसीह के लिए एक आदर का पात्र है? अरे हमारा विषय जो है चुना हुआ पात्र। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमारा चुनाव हमारे कामों को देखकर नहीं करता। मैंने कहा परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु जो है, वो हमारा चुनाव जो है हमारे काम देखकर नहीं कर रहा है कि हम हर संडे में चर्च में जाते हैं, हम बड़ा बड़ा दान देते हैं, हम गरीबों को खिलाते हैं। हमारा काम देखे प्रभु यीशु हमारा चुनाव नहीं करता, हमें नहीं चुनता। हमारा चुनाव जो है परमेश्वर के योजना के अनुसार करता है। परमेश्वर की योजना के अनुसार हमारा चुनाव होता है। यानी मैंने पहले कहा कि आप सोचते होंगे कि मैं बीमार था इसलिए प्रभु यीशु के पास आया, मैं प्रॉब्लम में था, मैं समस्या में था इसलिए मैं प्रभु के पास आया। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि परमेश्वर आपका जो तुम्हारा और मेरा जो चुनाव जो है वो उसके योजना के अनुसार करता है। फिर से एक वचन में देखे वचन देखेंगे, व्यवस्था विवरण सातवां अध्याय सात वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जो तुमसे प्यार करके चुन लिया क्योंकि तुम गिनती में थोड़े थे इसलिए चुना। प्रभु यीशु ने हमसे प्यार किया, हम छोटे थे, हम थोड़े थे, हम कमजोर थे, इसलिए परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। यानी हमारा चुनाव हुआ, हमें चुन लिया। परमेश्वर के योजना के अनुसार होता है। यानी फिर से एक वचन को देखेंगे, इपीस की पत्री पहला अध्याय चार वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। जगत की उत्पत्ति नहीं थी उससे पहले परमेश्वर ने हमें चुना है। वचन बताता है कि परमेश्वर ने उत्पत्ति जगत के उत्पत्ति से पहले हमें चुना है। तुम वो पात्र हो जो परमेश्वर ने कब से चुन के रखा है। कब से चुन के रखा है आपको? तुम वो पात्र हो जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने तुम्हें और मुझे कब से चुन रखा है। हम यीशु मसीह में
चुने हुए हैं, यीशु मसीह में हम चुने गए हुए, हम यीशु के बाहर नहीं, हम यीशु में हैं, यीशु में चुने गए हैं। सबसे पहले परमेश्वर ने यीशु को चुना, यानी यीशु में सबसे पहले परमेश्वर ने प्रभु यीशु को चुना। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह हमारी बुनियाद है। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीहा हमारी बुनियाद है, तुम्हारी और मेरी यीशु मसीहा बुनियाद है। हम मसीह में चुने गए हैं। आज हमारी बुनियाद कौन है? अरे भाई और बहन, हम चुने हुए पात्र हैं। हमारा विषय जो है चुना हुआ पात्र, लेकिन आज आपकी और मेरी बुनियाद क्या है? हमारी बुनियाद जो होती है पैसा, पैसे तक हमारी बुनियाद होती है, चंगाई तक हमारी बुनियाद होती है। चंगाई मिल जाती है और हम यीशु को बोलते हैं कि प्रभु बाय बाय, हमारी समस्या का हाल निकल आता है, हम प्रभु को बाय बाय बोलते हैं, हमारी बुनियाद वहां तक होती है। हमारी बुनियाद जो है मसी नहीं है, हमारी बुनियाद धन दौलत है। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूं कि हमारी बुनियाद यीशु मसीह होना चाहिए, क्योंकि हम चुने हुए बर्तन हैं, हम आदर के बर्तन हैं, हम चुने हुए पात्र हैं, जो यीशु मसीह ने आपको और मुझे चुना है उसके राज्य में काम आए, उसके राज्य में सेवकाई के लिए। यानी परमेश्वर ने आपको और मुझे उसके योजनाओं के अनुसार चुन लिया है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हमारी बुनियाद यीशु मसीह होना चाहिए। यानी आखिर में मैं यही बात बोलना चाहूंगा कि प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रभु यीशु के लिए एक हम आदर का बर्तन बने, एक अच्छा बर्तन बने। यानी हमारी बुनियाद यीशु मसीह होना चाहिए। यानी प्रभु करो इस वचन के द्वारा हमें आशीर्वादित करो। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, हमारी आंखें बंद करेंगे, हमारे सर को झुकाएंगे। प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, मेरे खुदा और यीशु, धन्यवाद देता हूं, तेरी स्तुति आराधना करता हूं। आज के तेरे वचन के लिए जो मूल्यवान वचन प्रभु तूने हमें दिया है प्रभु, आज जिस विषय पर प्रभु हम मनन किए हैं, चुना हुआ पात्र प्रभु, आज क्या हम तेरे लिए योग्य है? क्या तूने हमें तेरे राज्य के लिए चुना हुआ है प्रभु? कभी कभी हम एक अच्छा बर्तन नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर बहुत बुराइयां होती है, घमंड होते हैं। लेकिन आज के दिन में हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु यीशु, कि तू हमारे शरीरों को धोकर, तेरे पवित्र लहू, प्रभु लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करे, ताकि हम एक अच्छा बर्तन बन पाए, ताकि एक हम आदर का बर्तन बन पाए। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, जिन्होंने प्रभु आज का वचन को सुना है, जो भी आज इस ऑनलाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं, मैं सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज का वचन प्रभु हर एक के हृदय में प्रभु प्रभु जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यानी आज का तो तेरा वचन जो है हर एक एक विश्वासी प्रभु तेरा वचन ग्रहण करने के लिए प्रभु, यानी तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु तू सहायता और मदद करे, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तू अगुवाई करे। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ, आमेन। प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है
वैसे पृथ्वी पर हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमेन। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। ओ विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन, धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। ओ प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा कितना।
छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। अजब उद्धारनार ते सौते नाज था
से था तन के वो आज हलवान हूँ आ